ये अल्मोड़ा कहाँ से जाएंगे? अल्मोड़ा जी, अल्मोड़ा, ठीक है, थैंक यू। हेलो गाइज, अब हो गया हमारा टाइम निकलने का, यहाँ से हमारा नेक्स्ट ब्लॉग बनने वाला है। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, शायद अल्मोड़ा जाएंगे हम लोग, अल्मोड़ा ना, पहले यहाँ से अल्मोड़ा जाएंगे, फिर वहाँ से देखते हैं कहाँ जाएंगे, हल्द्वानी निकल सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। भाई ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, अब इसको रुखसत करते हैं यहाँ पर, अलविदा बोलते हैं। और हमारी बाइक इधर पार्किंग में खड़ी है सामने। अभी दिन के बज रहे हैं करीब 12, और रोज की तरह फिर से हम लेट, क्योंकि हिंदुस्तानी है इसलिए। और ये सामने वैली कुछ ऐसी, सामने पूरा हिमालय, और हमारे बाइकर्स रेडी हो गए, नीरज जी जो चलाएंगे इम्पल्स, हमारे धीरज जी, और ये हमारे गोदन भाई, जिनके पूरा ये टेक केयर किया हुआ है रिजॉर्ट का, और आप इनकी फैसिलिटी कभी भी आके ले सकते हैं, ठीक है, नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो भैया, करीब 4 किलोमीटर दूर होने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं सितला खेत। यहाँ बैठे हुए लोग सितला खेत में, हमारे बंदे यहाँ पर रुके हुए हैं। सामने वैली का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है यार, जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा। क्लाइमेट काफ़ी ठंडा है, लेकिन मज़ा काफ़ी आ रहा है, और यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। कल रात हम रुके थे तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, अभी ज़्यादा धूप निकली है तो ज़्यादा एहसास नहीं है ठंडे का, लेकिन जो चारों ओर 360 व्यू है इस एरिया का, वो बहुत खूबसूरत है। मन कर रहा है कि यहीं बैठ के हिमालय दर्शन किए जाएँ, लेकिन आपको पता है मजबूरियाँ भी कुछ होती हैं। लेकिन जब भी आप आओ तो अल्मोड़ा या रानीखेत, तो सितला खेत जरूर विजिट करना आप, ये काफ़ी खूबसूरत है। 9 किलोमीटर सितला खेत, 1.5 किलोमीटर कटपुड़िया, यहाँ पर चल जाता है रास्ता, हम लोग सीधे निकलेंगे यहाँ से सितला खेत को, कटपुड़िया होते हुए अभी हम अल्मोड़ा जाते थे, वहाँ से हमें रानीखेत रोड में जाना पड़ता है, यार रास्ता थोड़ा शॉर्ट है तो ये बहुत सस्ता बना लेते हैं, जैसे आप लोगों ने बताया था। तो आपका गोदन भाई थे हमारे, मैंने कहा तो बताया था कि सितला खेत जाके जाना अल्मोड़ा को, क्योंकि वो रास्ता थोड़ा लंबा पड़ेगा, यहाँ से कटपुड़िया जाएंगे, कटपुड़िया से हमको रानी के अल्मोड़ा रोड मिल जाएगी, उसके बाद हम वहाँ से भी अल्मोड़ा को जा सकते हैं, उसमें बीच में हम कहाँ शायद से कटपुड़िया तो नहीं है। ये अल्मोड़ा कहाँ से जाएंगे? अल्मोड़ा जी, अल्मोड़ा, ठीक है, थैंक यू। हम पहुंच गए हैं कटारमल, उत्तराखंड में एकमात्र सूर्य भगवान का मंदिर। वैसे उत्तराखंड में क्या, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 है जहां तक मुझे पता है, एक इंडोनेशिया अंकोरवाट में है, सेकंड उड़ीसा कोणार्क में है, और तीसरा कटारमल अल्मोड़ा जिले में उत्तराखंड में स्थित है। अभी हम पे टाइम की थोड़ी कमी है, कभी मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो आपको कटारमल का सूर्य मंदिर जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत है, मैं भी कभी गया नहीं, लेकिन अभी आज टाइम की कमी है तो हमें ये वहाँ जा नहीं सकते। तो नेक्स्ट टाइम कभी अल्मोड़ा जब आऊँ वापस, तो आपको ज़रूर एक बार सूर्य मंदिर के दर्शन ज़रूर कराऊँगा, ये कमिटमेंट है। मंदिर भी काफ़ी खूबसूरत है कटारमल का। और ये कटारमल का सबसे फेमस पानी है, बताते हैं कि इस पानी में बहुत ज़्यादा शक्ति है, इससे पीने से शरीर में अलग ऊर्जा का संचार होता है, जो ये स्रोत है कटारमल में, नेचुरल है, नेचुरल पास के जंगल से थम के आता है पानी। अब हम पहुंच गए हैं कोसी के नज़दीक गोविंद वल्लभ पंत पर्यावरण संस्थान, जो उत्तराखंड में कोसी में स्थित है। आज संडे होने की वजह से ये बंद भी है, और हम पे टाइम की कमी है, वरना मैं आपको इसके भीतर लेके जाता, लेकिन आज नहीं जा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर कौसानी 47 किलोमीटर, ये रोड कौसानी को जाएगी सोमेश्वर होते हुए, अल्मोड़ा 13 किलोमीटर और नैनीताल 77 किलोमीटर, ठीक है, तो कौसानी के लिए आप जा सकते हैं, यहाँ से अल्मोड़ा आए आप,
यहाँ से सोमेश्वर ड्राइव गए और सोमेश्वर यहाँ से पफानी। अब पहुँच गए हम लोग कोसी, नीचे बह रही है कोसी नदी इसलिए इसका नाम है कोसी। और यहीं देखते हैं कुछ लंच वंच का आइटम, क्योंकि खाने पीने के लिए बहुत सी जगह है और पकौड़ी और रहता तो मेरे जिम में पानी आता है उनके नाम, तो देखते हैं कि दुकान में जुगाड़ हुआ है। इधर रुके क्या? नहीं रुक लेता है। खाने पीने के लिए कुछ है? मिल जाएगा चावल बस। सांस्कृतिक एवं पर्यटन नगरी अल्मोड़ा में आपका स्वागत है। अब हम अल्मोड़ा पहुंच चुके हैं, सामने आप देख सकते हैं पूरा अल्मोड़ा शहर दिखाई दे रहा है, दोनों साइड है, जैसे इतना जितना इस साइड दिखाई दे रहा है उतना दूसरी साइड भी है। ये तो है फ्रंट का एरिया, सामने लोअर मालोट अपर मालोट दिखाई दे रही है, इसके पीछे धारणवाला साइड में पूरा का पूरा अल्मोड़ा शहर है, काफ़ी बड़ा है और घूमने के लिए प्लेस भी बहुत सारे हैं। देखते हैं अल्मोड़ा में हमें क्या क्या मिलता है। मेन तो हमने एक फेमस दुकान है वहाँ पर पहुँचना है और यहाँ आप घूम सकते हैं कसार देवी जू, जागेश्वर टेंपल, चितई मंदिर और बिनसर सेंचुरी, ये सब अल्मोड़ा में घूमने के लिए है। तो पहुँच चुके हैं हम अल्मोड़ा शहर के अंदर, यहाँ की है मार्केट। भाई साहब लेकिन ट्रैफिक कितना है ना, ट्रैफिक है थोड़ा थोड़ा, गाड़ी चलाने में लग रहा है पूरा 15 मिनट लग गए थे क्रॉस करते करते, अभी जबकि स्टार्ट नहीं हुआ है। और इस लाइन पे होटल बहुत सारे हैं। तो अल्मोड़ा की स्पेशलिटी है यहाँ के पटाल बाज़ार और बाल मिठाई, दोनों चीज़ काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे फेमस दुकान है खून सिंह मोहन सिंह, हम लोग भी उनके यहाँ से लेते हैं बाल मिठाई, वाली मेन मोटिव हमारा है बाल मिठाई लेने का। यहीं कहीं आस पास दुकान है उनकी शायद। आगे हो दुकान, बाल पप्पू स्वीट हाउस, ये है बाल मिठाई के प्रमुख निर्माता किम सिंह मोहन सिंह होटेला। तो यहाँ से हमने खरीदनी है बाल मिठाई। गाड़ी करते हैं थोड़ा साइड, ट्रैफिक ज़्यादा है, रहते हैं बाल मिठाई। अल्मोड़ा के अंदर ट्रैफिक इतना था, फिर मुझे लोअर मालोड पे आके सीधे करबला होते हुए निकला, लेकिन एक स्पेशल चीज़ मैंने देखी अल्मोड़ा के अंदर कि वहाँ ई रिक्शा चलता है, और किसी पर्वतीय ज़िले में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि वहाँ ई रिक्शा चलता है। और ये देख के काफ़ी खुशी हुई कि मतलब पर्यावरण के लिए लोग काफ़ी सजग हो गए हैं पहाड़ों में। अभी आप भी आइए और ई रिक्शे के मज़े लीजिए। कल साहब अंधेरे में हम वो वाला पहाड़ पूरा चल रहे थे, पहले वो पहाड़ पूरा ऊपर टॉप तक चला हमने, उसके बाद जाकर चला के लाया, वो भी कैसी रोड थी भाई साहब। अभी आपको लगेगा वहाँ से देख के ऊपर वो पूरे पहाड़ पर टॉप तक देखिए रात के अंधेरे में। काकली घाट से हमने सितला खेत के लिए कट मारा था, वहाँ से करीब 18 किलोमीटर रोड तो बिल्कुल सही थी, लेकिन उसके बाद जो 5-6 किलोमीटर रोड थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, और उसमें और रात का अंधेरा और ऊपर से बहुत भयंकर ठंडा, ये सब झेलते हुए हम लोग पहुँचे सितला खेत। फिर जो काकली घाट जगह है यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी आके रुके थे, तो इसलिए काफ़ी फेमस है काकली घाट। और उसके बाद वो जाके शाही देवी में सितला खेत में जाके रुके थे 3-4 दिन। चुके हैं खैरना, जहाँ से एक ये सामने जो ब्रिज दिखाई दे रहा है यहाँ से एक रोड चल जाएगी रानी गेट को, और जो रोड चली गई वो चलेगी नैनीताल हल्द्वानी काडोदाम, आप जहाँ कोई बोलो उधर पे रोड निकलेगी। चाय पीने के लिए हम लोग रुके थे गर्म पानी में, अब हम पहुंच गए हैं
बर्ड के सबसे फेमस टेम्पल में बाबा नीम करोली महाराज के दरबार कैंटी धाम। यहाँ आके बहुत लोग की किस्मत बदल चुकी है, और जब भी आप आए अल्मोड़ा हल्दानी रोड या रानी खेत रोड रानी खेत हल्दानी रोड, आप इस मंदिर पर आके भी दर्शन कर सकते हैं बाबा नीम करोली के, तो रोड साइड में ही पड़ता है। अब हम पहुँच चुके हैं भवाली, सेंटर ऑफ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का केंद्र बिंदु कहा जाता है शहर। ठंडा काफ़ी है और स्नोफॉल भी ज़बरदस्त होता है। तो भवाली के बाद हम लोग शायद देखते हैं हम चाला रोड बनाए या जोली को डाला। एक्चुअली यहाँ मोमो और थुप्पा काफ़ी अच्छा मिलता है, तो हमारा प्लान था वो खाने का। तो अभी देखते हैं क्या होता है, मोमो थप्पा खाने के बाद होता है तो हमें भीमताल की रोड से जाना पड़ेगा। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं भीमताल भवाली होते हुए। मेरी गोप्रो की दोनों बैटरी ड्रेन होगी, इससे आगे मैं ब्लॉग बनाऊंगा नहीं, और इससे आपको आगे पता ही है कि अब काटो धाम आएगा और हल्द्वानी आ जाएगा। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, शेयर करना और लाइक जरूर करना, और कोई सजेशन हो गए वो जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले जय जय देवभूमि।